वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप ये देख रहे हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने इस फ्रॉक के साथ का आपको टोपा बना के बताया था। आज मैं ये न्यू बॉर्न बेबी टोपा फ्रॉक बना रही हूँ, और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए होगा। मतलब 11 इंच हमारा होता है जो लास्ट होता है, या उससे छोटा 10.5 इंच होता है। तो हम इसको 11 इंच के करीब कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने ये लिया हुआ, पहले मैं बैक साइड कटिंग करूँगी। बैक साइड मैंने 11.5 इंच के करीब हम लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें लेना होगा इसे 4 इंच, ठीक है। और उसके बाद, बल्कि हम पूरा 11 ही लेंगे इसको। और उसके बाद जो है, अब यहाँ से हम इसका पहले शोल्डर हम कटिंग करेंगे 4 इंच के करीब, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने लिया है 4 इंच, ये हमारा आर्म होल है। और उसके बाद यहाँ से हम लेके, ये देखें, यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे। और ये हमारा आएगा 2 इंच के करीब गला हमारा। और उसके बाद यहाँ से भी इसको हल्का सा हम इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने लिया हुआ है, ये हमारा थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, हम इसको छोटा करेंगे 5.5 इंच करेंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। और नीचे का हमने लिया हुआ है 6 इंच की तरफ, ये चीज़ थोड़ी सी हमारी चौड़ी होगी जो ये हिस्सा होगा, और यहाँ से हमारा कम होगा चेस्ट के एरिया, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सिलाई के लिए भी जो हम एक्सेस रखते हैं वो इसी के अंदर शामिल है, हम बढ़ा के बिल्कुल नहीं काट रहे इसको। ठीक है, इसमें हमने सिलाई भी इसी के अंदर रखी हुई है। अभी हम अपना दूसरा पीस लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लेंगे, ठीक। ये हमने यहाँ से लिया, ये देखें बिल्कुल सही तरीके से हम इस तरह रखेंगे इसको। उसके बाद पहले हम इसे बराबर करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसे हमने बराबर करके निकाला है। उसके बाद हम यहाँ से नापेंगे, ये हमें यहाँ तक रखना है इसको। ये साइजिंग में बता देती हूँ, 2 इंच तक हम इसको फोल्ड कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये इसी पीस को हम डबल करके 2 इंच तक फोल्ड कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल बराबर करा है मैंने, और यहाँ से 2 इंच के करीब हमने इसे फोल्ड कर लिया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 4 इंच तक हम इसका निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ तक की हमने कटिंग, देखें ये। अब यहाँ से जो है हम इसको फोल्ड करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। ये देखें, ये हमने इस तरीके से, ये जो हमारा शोल्डर है आप ये देख रहे हैं, ये रहा हमारा शोल्डर। ये मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आप वाज़े तरीके से आपको नज़र आइए। ठीक है, यह हमारा आर्म होल है, ये हमारा शोल्डर है, और ये पीस जो है हम यहाँ से पूरा इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देख रहे हैं, ये हमारा इस तरह से आएगा ये, और ये हमारी शर्ट है, ये इसके साथ ये इस तरह सेटअप होगा। ये देख रहे हैं, ये रहा, यहाँ से नीचे से भी हम इसको बराबर कर देंगे। ये
ये हमारा इस तरह हमारे इसकी फोल्ड होगी, ये नीचे ये हमारा यहाँ तक गला आएगा। ये देखें हाफ इंच की हमारी फोल्डिंग होगी इस तरीके से। तो ये हमारा छोटा सा गला इस तरह एक दूसरे के ऊपर रैप करके एक दूसरे के ऊपर आएगा, कि हम स्टिचिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। उसके बाद अब हमारी स्लीव कटेगी। ये देख लें आप, स्लीव हमने ली है 8 इंच के करीब, और यहाँ से हमारा आएगा 4 पॉइंट, ये देख लें आप 4.5 इंच के करीब हम इस पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। फिर इसको हम आपस में इस तरह मिलाएंगे। यहाँ से हमने लिया है 1 इंच के करीब आर्म होल बनाने के लिए, और ये आर्म होल बिल्कुल सिंपल सा ऐसे नॉर्मल सा ऐसा हल्का सा बनेगा हमारा। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ये हमारी सिंपल सी ये स्लीव कट चुकी है, और ये मेरी पट्टी है इसके साथ, ये जो हमने अपने टोपे में भी लगाई थी उसकी मदद से हम इसको इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। आप देख रहे हैं ये मेरे पास पट्टी हमारी मौजूद है 1.5 इंच, ये हम वाइट वाला पीस काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद है 1.5 इंच। अब ये हमारे दोनों पीसेस हैं, आप ये देख रहे हैं। इसमें से मैं एक फर्स्ट पीस आपको रेडी करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ये देखें सबसे पहले यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हम सिलाई लगाएंगे, और पूरी हमारी पट्टी यहाँ तक सिलेगी ये। ये देख रहे हैं इस तरह मैंने इसे ये पट्टी लगाई है अपनी। अब हम इसको यहाँ से उलटेंगे, उलटने के बाद इसको इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, पूरा इसको पूरा हम उलट देंगे, ये कोना भी निकालेंगे अपना। सही है, इस तरीके से कोने को हम इसे सेट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारी पूरी पट्टी ये उल्टी जाएगी, और इसके ऊपर हम फिर सिलाई लगाएंगे। आप देख रहे हैं एक पीस मैंने इस तरह रेडी करा है, मैं आपको दूसरा पीस दोबारा एक दफ़ा समझा देती हूँ। ये हम इस तरह ही हम यहाँ से लेंगे, ये इस तरीके से हम यहाँ तक लेंगे, ये देखें यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैं बता दूँ, हमें इतना बड़ा पीस जो है ना इसमें से कटिंग करके निकालना है, ताकि हम इसको इस तरीके से हम लेंगे, ये देखें। और ये हमारा साइजिंग है, ये 1 इंच के करीब है, ये देखें, ये आपको दिखा देती हूँ मैं, ये 1 इंच के करीब है हमारा साइज़, ये देखें ये हमारा पूरा साइज़ 1 इंच के करीब है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच के करीब जहाँ से हमारा सेटअप हो रहा है, ये देखें 1/2 इंच के करीब मैं निशान लगाऊंगी, ये ठीक है। और उसके बाद जो है ये हम यहाँ से ये देखें ये हमारा कोना आएगा यहाँ तक, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये जहन में रहे कि ये किस तरह, ये फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, और फिर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ हम फोल्ड करके फिर उसको उलटेंगे, तो ये हमारा इस तरह आएगा। और ये आप उल्टे साइड से लगाएंगे, सीधे साइड से नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगेगा ये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से जो है हम इसको सीएंगे यहाँ से, और सीने के बाद अपना एडजस्ट करेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमारी बारीक बारीक डोरियाँ बंधेंगी ये इस यहाँ यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। तो ये मैं पहले कर लूँ, फिर आपको मैं डोरी बना के दिखाती हूँ। डालिए आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। और अब जो है हम सबसे पहले यहाँ अपनी जो बैक साइड हमारा जो रह गया है ये, तो इसको जो है हम पट्टी लगाएंगे इसके अंदर गले की, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हम गले की पट्टी लगाएंगे,
ठीक है, ये अब हम इस पे कट लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये लगाने के बाद जो है हमें जो है सबसे पहले यहाँ हम करेंगे जो हमने अपना रेडी करा हुआ है ये फ्रंट पीस, वो हम एक तरफ रखेंगे इस तरह, ठीक है। और दूसरा हम रखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ, ठीक। ये देखें, ये अब हम इसको इसके शोल्डर सीएंगे सबसे पहले। इसी तरह हम इसको भी सीएंगे। यहाँ से हमने थोड़ा सा पलटा इसको, अपनी पट्टी को इसको इस तरह फोल्ड करा, और फोल्ड करने के बाद यहाँ मशीन चला दिया। हमने यहाँ कटिंग करा है इसको, इसको हल्का से यहाँ से कट करेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये आराम से हमारा फोल्डिंग हम इसको फोल्ड कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके ये हम सीधा करेंगे इस तरीके से दोनों तरफ से यहाँ से। अब हम इस अपनी पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे चलाएंगे मशीन। ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम सबसे पहले जो है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे इसके अंदर, दोनों स्लीव हम यूज़ इसमें अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव रेडी है, इसको हम यहाँ पे स्लीव अटैच करने के बाद फिर हम इसकी साइडें सीएंगे, ठीक है। ये स्लीव सिलेंगे हमारी इस तरफ की भी और इस तरफ की, फिर हम इसकी साइडें सीएंगे। आप देखें हमने अपनी स्लीव अटैच कर ली है, उसके बाद हम इसको फोल्ड करके आपको दिखाते हैं कि हमारी न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉक का लुक कैसा आया है। ये देख रहे हैं आप, ये उसके बाद हमने यहाँ से लिया इसको। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये हमारी डोरी है। हाँ, ये हम एक डोरी अपनी इस तरफ बांधेंगे, उसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे पहले यहाँ से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको डोरी बांध के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको अपनी फ्रॉक सेट करके दिखा रही हूँ कि ये हमारे नीचे से हमने फोल्ड कर लिया। ये हमने ये वाला जो पीस था ये हमारा अंदर की तरफ आएगा एक पीस। ये देखें, हमने लगाया ऊपर से ही था मगर ये अंदर की तरफ आएगा। हम इसको यहाँ से हम इसको हल्के से नॉट बांधेंगे इसकी, ठीक है। ये देखें, और दूसरा हमारा इस तरफ आएगा। देख रहे हैं, इसको आप इस तरह फोल्ड करेंगे, और ये देखें ये हमारी खूबसूरत सा न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉक रेडी हो गया है। और आप इस फ्रॉक को बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, और इसको अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं कि मतलब आपको चौड़ाई ज़्यादा लगे तो आप इसकी चौड़ाई में 1 इंच कम कर दें कटिंग करते वक्त, और लंबाई में, लंबाई तो न्यू बॉर्न की इतनी ही होती है लेकिन आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो 1 इंच ज़्यादा कर दें इसको नीचे से, और साइडों से 1/2 इंच बढ़ा दें। तो इस तरह आप अपने अपनी बेबी के लिए खुद भी स्पेशल अपने जो है मेज़रमेंट नाप कर ले सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी फ्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज वेल। थैंक यू सो मच।